मैं और मेरी टीम आज प्रोटेस्ट कर रही है नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर, इसलिए हमने इन चोरों को याद कराना है कि ये गद्दार है और अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करती है और हमने इन चोरों को सांस भी नहीं लेने देना है। लंदन में मुकीम शायान अली बहादुरी की एक आला मिसाल है। पाकिस्तान का ये बेटा अपने मुल्क पर 1000 में से 1001 जाने कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। हमें आपको सैक्रिफाइसेस मेक करने होंगे और मैं एक सिंपल चीज कहता हूँ, नो सैक्रिफाइसेस टू ग्रेट इन दिस फाइट। अगर मेरे पास 1000 लाइव्स होती मैं 1001 कुर्बान करता अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने यह खबर लगाई थी कि शायान अली ने नवाज शरीफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। बकौल शायान अली उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज साबित नहीं हुआ और दो चैनल्स के खिलाफ फैसला उसने अपने हक में लिया है। पूरे दुनिया का मीडिया, पूरा तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, पूरे दुनिया के मीडिया ने खबर लगाई थी कि शायान अली ने नवाज शरीफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। शायान अली यहाँ के सामने खड़ा है, कोई क्रिमिनल चार्जेस शायान अली के खिलाफ नहीं है और शायान अली ने ऑफ के दो चैनल के खिलाफ फैसला हक में लिया है। तो इंशाल्लाह ताला हाईकोर्ट में जाना पड़े जाऊंगा मैं, जो भी करना पड़े इंशाल्लाह करूं। ये बहादुर नौजवान मुस्तकबिल में वकील बनने का इरादा रखता है। खिलाफ मरियम ने भी ये एक जो है ट्वीट की थी कि अब इसको छोड़ना नहीं है, ये जो हादसा हुआ था, तो उन्होंने अपोलॉजी की है इसके बाद? नहीं, मरियम ने अपोलॉजी नहीं की है, लेकिन मुझे वकील बनने थे, मैंने मरियम को नहीं छोड़ना है। बकौल शायान अली नवाज शरीफ एक नहायत ही बुजदिल और डरपोक इंसान है जिसका सामना नहीं करना चाहता। हाल ही में एक कैफ़े में शायान अली को देखकर नवाज शरीफ कैफ़े से फ़रार हो गए, जिसका सबूत इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये वही नवाज शरीफ है जिसे मरियम बहुत बहादुर इंसान करार देती हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।